My dear boys, girls, both boys and girls, आज जो हम करना चाह रहे हैं वो है सेट वन सोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इम्तहान जो है लम्स के लिए और उसके अलावा अमेरिकन यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अहम है, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ बात यह है आपकी कंसंट्रेशन की। अगर आप इसको कंसंट्रेट करेंगे तो आपके लिए कोई मसला मुश्किल नहीं रहेगा। तो लिहाजा बात यह है कि आप यू शुड ट्राई टू टेक वेरी सीरियस इंटरेस्ट इज दैट क्लियर। अगर आप सीरियस इंटरेस्ट से ये काम करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक बात कहना चाहूँ that you should try to concentrate, nothing but to concentrate, and I am trying to direct particularly the student of SAT 1, those who live near Amidar of defense or other Amidar of the kind of institutions, and those who want to get admission in LAMS in Lahore, they should try to take it's very serious interest. Is that clear? So let us start with, I mean, that of the comprehension. So, hum aaj karenge sentence. One thing is quite clear that aaj hum karenge reading section ka. Is that clear? Aaj hum jo karenge wo hai hamara रीडिंग सेक्शन, ठीक। तो दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम कर रहे हैं राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट। इज दैट क्लियर? वी आर डूइंग राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट। सो देर आर थ्री थिंग्स इन सेट वन, रीडिंग टेस्ट, राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट एंड एसे राइटिंग। देर आर थ्री थिंग्स आई मीन दैट ऑफ इन सेट वन। मैं दोबारा बात कह दूँ, ये पहला है रीडिंग टेस्ट, ठीक है, फिर राइटिंग टेस्ट, और उसके बाद फिर एक एसे राइटिंग है। एसे राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले जो आप किया करते थे उससे ये काफ़ी फ़र्क है, तो वो भी हम करेंगे। तो चले आज फिर हम करेंगे राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट, ठीक हो गया। तो अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टूडेंट हु वांट टू गेट हु आर डिजायरस टू गेट एडमिशन इन सैट इन आई मीन दैट ऑफ ए लम्स दे शुड बी वेरी केयरफुल आई मीन दैट ऑफ ए वेरी सीरियस एंड थिंग लाइक दैट। तो चले फिर हम करते हैं। ये हमारा पैसेज है, ब्रदर कैन यू स्पेयर ए डाइम। डाइम, ठीक है। डाइम जैसे इंग्लिश में कहते हैं US डॉलर को, क्वाइन है, ये US क्वाइन है और डॉलर भी कहते हैं। चले फिर हम करते हैं इसको। ऑल्दो प्रिंटेड चीपली एंड फॉर क्विक कंजम्पशन कॉमा, अब अंडरलाइन है, टुडेज एक्सपीरियंस ऑफ कल्चर इज लार्जली शेप्ड बाय डाइम नॉवल्स, ये अंडरलाइन है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शन ए नो चेंज, ऑप्शन बी वी एक्सपीरियंस कल्चर द वे वी डू बिकॉज ऑफ डाइम नॉवल्स, इज दैट क्लियर। अब सी है, डाइम नॉवल्स हैव शेप्ड द वे वी एक्सपीरियंस कल्चर टुडे, ठीक हो गया। और अगला है डी, द शेप ऑफ डाइम नॉवल्स इन्फ्लुएंसेस ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंस। अब चार ऑप्शन है हमारी, ठीक है। अब हमने इसको फिर दोबारा देखना है कि यह मसला क्या है या प्रॉब्लम क्या है। क्या ये ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए। तो चलें फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंडरलाइन वो कहता है टुडेज, ये देखिए, टुडेज एक्सपीरियंस ऑफ कल्चर इज लार्जली शेप्ड बाय डाइम नॉवल्स, इज दैट क्लियर। अब हमने करना ये है कि विच शुड बी योर आंसर, विच शुड बी योर आंसर,
क्या ए आपका आंसर है? ए ठीक है, ए इज नॉट अवर आंसर, और बी, डी इज नॉट अवर आंसर, अच्छा उसके बाद डी इज आल्सो नॉट अवर आंसर। अब बात यह है कि ये क्यों हमारे आंसर नहीं है, उसकी वजह यह है कि ये जो ए बी और डी हैं ये मिसप्लेस मॉडिफायर हैं, दीज आर कॉल्ड मिसप्लेस मॉडिफायर। हमें ग्रामर को भी देखना है, ग्रामर के मुताबिक हमने चलना है, तो ए बी एंड डी आर मिसप्लेस मॉडिफायर। अब बात यह है कि आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज मिसप्लेस मॉडिफायर, अगर आप मेरे लेक्चर ग्रामर के देख लें तो आप उसमें मैंने बड़ा वजह से मिसप्लेस मॉडिफायर को डिस्कस किया हुआ है। तो चले फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको समझाता चलूँ मॉडिफायर है क्या है, ये सुन लें गौर से। मॉडिफायर शुड बी प्लेस्ड एज क्लोजली एज पॉसिबल टू द वर्ड दे मॉडिफाई, ठीक है। दिस इज ड्यू वेदर द मॉडिफायर इज ए सिंगल वर्ड, ए फ्रेज और ए क्लॉज। ये बातें याद रखने वाली हैं, यानी कि मॉडिफाइड होता क्या है, इसमें मॉडिफाई मॉडिफिकेशन का प्रॉब्लम है। अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन मॉडिफायर शुड बी प्लेस्ड एज क्लोजली एज पॉसिबल टू द वर्ड दे मॉडिफाई। दिस इज ट्रू वेदर द मॉडिफायर इज ए सिंगल वर्ड, ए फ्रेज और ए क्लॉज, या सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ए फ्रेज भी हो सकता है और क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसकी एक एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बनेगा वह सी, डाइम नॉवल्स हैव शेप्ड द वे वी एक्सपीरियंस कल्चर टुडे, ठीक है। मिसाल मैं बाद में आपको बताऊंगा, तो ये गौर से सुन लीजिएगा। सी इसका आंसर है, डाइम नॉवल्स हैव शेप्ड द वे वी एक्सपीरियंस कल्चर टुडे। अब ये क्यों आंसर है, ए बी और डी क्यों नहीं, बात तो ये है। बात यह है कि जब हम सी को देखते हैं तो सी ने क्या किया है, सी ट्राई टू यूज फ्रेजेस एज कंसाइज एज पॉसिबल, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, इसमें दूसरी बात जो ये है कि अगर आप देखिएगा इसमें मिसप्लेस मॉडिफायर को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर हम कहते हैं सो द वर्ड डाइम नॉवल नीड टू बी प्लेस्ड इमीडिएटली नेक्स्ट टू दैट मॉडिफाइड फ्रेज, यानी ये जो डाइम है हमने उसी जगह पर लगाया जहां ये इमीडिएटली ट्राई टू फॉलो द मॉडिफायर फ्रेज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट आई मीन दैट ऑफ दिस थिंग, ये मिसप्लेस मॉडिफायर को ख़त्म करता है। क्यों, दो चीज़ें हैं, बात याद रखिएगा। पहली बात है फ्रेजेस आर एज कंसाइज एज पॉसिबल, पहली बात। दूसरी बात है ये जो नॉवल है द वर्ड डाइम नॉवल, ठीक है, नीड टू बी प्लेस इमीडिएटली नेक्स्ट टू दैट मॉडिफाइड फ्रेज, यानी ये जो है ये मॉडिफायर के नज़दीक है, लिहाजा सी इज अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर। इसकी मैं मिसाल आपको एक दे देता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। मैं इनकरेक्ट मॉडिफायर बोलता हूँ, आई बॉट ए पियानो फ्रॉम एन ओल्ड लेडी विद इंट्रिकेट कार्विंग, ये मिसप्लेस मॉडिफायर है। आई वुड लाइक टू स्पीक वंस अगेन, इनकरेक्ट मैं बोलता हूँ, आई बॉट ए पियानो फ्रॉम एन ओल्ड लेडी विद इंट्रिकेट कार्विंग, और इसका सही होगा, ये तो ये मैंने बोला है मिसप्लेस मॉडिफायर, इसका सही होगा आई बॉट ए पियानो विद इंट्रिकेट कार्विंग फ्रॉम एन ओल्ड लेडी, ये करेक्ट है। इसी तरह ये जो सी है ये मॉडिफायर को करेक्ट करता है, ये सही मायने में जो है ये हमारा आंसर है, यानी डाइम नॉवल्स हैव शेप द वे वी एक्सपीरियंस कल्चर टुडे, ठीक है। तो ये इसको डाइम नॉवल जो ट्राई टू मॉडिफाई, और अब हम आते हैं अग